I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल फिल्मी सेंट्रल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 6 बेस्ट थ्रिलर मूवीज ऑफ 2020 के बारे में, जो अवेलेबल हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है पोन मगल वंदल। जे जे फ्रेडरिक के डायरेक्शन पर बनी फिल्म पोन मगल वंदल में हमें ज्योतिका लीड रोल में नजर आएंगी। पोन मगल वंदल एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है, जहां पर हमें ज्योतिका एक लॉयर के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त और थ्रिलर है, जहाँ पर कुछ किडनैपर्स बच्चों को किडनैप करके बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। उन किडनैपर्स को ज्योतिका कैसे पकड़ती है और कैसे उन किडनैपर्स को सजा देती है, इसी के ऊपर है पोन मगल वंदल फिल्म की कहानी। यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर है तमिल की सुपरहिट फिल्म पेंगुइन। ईश्वर कार्तिक के डायरेक्शन पर बनी फिल्म पेंगुइन में हमें कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आएंगी। पेंगुइन एक जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही गजब और थ्रिलर की है, जहां पर एक किडनैपर कीर्ति सुरेश के बच्चे को किडनैप करता है। उसके बाद 5 साल बाद वो बच्चा कीर्ति सुरेश के पास आता है, मगर वो बच्चा उस किडनैपर के बारे में कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वही किडनैपर फिर से आता है। किडनैपर क्यों उस बच्चे को किडनैप करता है और क्यों वो फिर से कीर्ति सुरेश के लाइफ में आता है, इसी के ऊपर है पेंगुइन फिल्म की कहानी। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। तीसरे नंबर पर है V1 मर्डर केस। पवेल नवगीतन के डायरेक्शन पर बनी फिल्म V1 मर्डर केस एक जबरदस्त शानदार थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हमें राम अरुण कास्ट्रो और विष्णुप्रिया लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी बहुत ही शानदार है, जहां पर एक लड़की के मौत पर इन्वेस्टिगेशन चलती है। किसने उस लड़की को मारा और क्यों उस लड़की को मारा, इसी के ऊपर है V1 मर्डर केस की स्टोरी। यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। चौथे नंबर पर है मलयालम की सुपरहिट फिल्म अय्यप्पनम कोशियम। पृथ्वीराज सुकुमारन के डायरेक्शन पर बनी अय्यप्पनम कोशियम एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में हमें पृथ्वीराज और बीजू मेनन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है, जहां पर पृथ्वीराज और बीजू मेनन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं और अपने ईगो की वजह से कैसे हम अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं, इसी के ऊपर बनी है अय्यप्पनम कोशियम फिल्म। यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। यह फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर है मलयालम की ब्लॉकबस्टर फिल्म शाइलॉक। अजय वासुदेव के डायरेक्शन पर बनी फिल्म शाइलॉक में हमें मम्मूट्टी, अजय वासुदेव और अर्चना बीनू लीड रोल में नजर आएंगे। यह एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे देखने के बाद आप इस फिल्म को जरूर देखना चाहेंगे। इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म की कहानी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, जिसमें भरपूर थ्रिल देखने को मिले जाएगा। यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। छठे नंबर पर है मलयालम की सुपरहिट फिल्म फोरेंसिक। अखिल पॉल और अनस खान के डायरेक्शन पर बनी फिल्म फोरेंसिक में हमें रेबा मोनिका जोन, ममता मोहनदास और टोविनो थॉमस लीड रोल में नजर आएंगे। यह एक जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म की स्टोरी एक मर्डर के ऊपर है, जहां पर एक किलर मर्डर करता है। वो किलर क्यों वो मर्डर करता है और कैसे करता है और कैसे पुलिस उस किलर को पकड़ते हैं, इसी के ऊपर है फोरेंसिक फिल्म की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया की वो 6 जबरदस्त शानदार थ्रिलर फिल्में जो 2020 में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों को आपको जरूर देखना चाहिए। इन 6 फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।